हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक नई वीडियो में। इसका टॉपिक है ब्लूटूथ प्रॉब्लम किस प्रकार से सॉल्व करते हैं वो बताऊंगी। अगर ब्लूटूथ कनेक्ट कर रहे हैं तभी आपका कनेक्ट नहीं हो रहा है तो वो पहले बता देती है कैसे कनेक्ट करते हैं। जैसे कि आपका इस प्रकार से ब्लूटूथ ऑफ है तो ऑन कर लेंगे, और ब्लूटूथ ऑन करने से पहले आपका वाईफाई कनेक्ट नहीं तो वो भी कनेक्ट कर लेंगी। वाईफाई कनेक्ट होने पर आपका ब्लूटूथ कनेक्ट होगा, और इसके बाद जिस फोन में जिसमें आप कनेक्ट करना चाहते हैं जिसमें उसे भी चार्ज फुल चार्ज होना चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल के लिए ईयरफोन ले रहे थे, ईयरफोन आपका फुल चार्ज होना चाहिए और मतलब ये वो फुल बैटरी बोल रही थी। और इसके बाद जो इसमें आप कनेक्ट करेंगे उसे ऑन करेंगे, ऑन करने के बाद यहाँ से ब्लूटूथ ऑन करेंगे फिर उस डिवाइस नेम आएगा यहाँ पर, तो आप उस पर क्लिक कर देंगे और आपका उसमें ब्लूटूथ कनेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से ऑफ करते तो नहीं होगा। तो वैसे किसी किसी में नेटवर्क मतलब कि वाईफाई कनेक्ट होने पर ही ब्लूटूथ कनेक्ट होता है, वैसे बिना वाईफाई के भी मतलब बिना इंटरनेट के भी कनेक्ट हो जाता है किसी किसी फ़ोन में, और वैसे नहीं होता। मेरे भी तो वाईफाई कनेक्ट करने पर ही होता है। तो इसी प्रकार से आप अपने फ़ोन में ब्लूटूथ कनेक्ट कर सकते हैं, अगर तब भी नहीं होता इन सब पे भी करने पर भी। तो फ्रेंड्स, उसे सॉल्व कैसे करते हैं उस प्रॉब्लम को तो वो बताऊँगी। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको सेटिंग को ओपन करना है। सेटिंग को ओपन करने के बाद आपको जनरल मैनेजमेंट पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपका ऑप्शन आएगा मतलब आपका, तो रीसेट ऐप्स मतलब रीसेट पे क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद आपका रीसेट नेटवर्क सेटिंग पे क्लिक कर देना है। यहाँ से रीसेट सेटिंग पे क्लिक कर देंगे। जो भी आपने स्क्रीन लॉक लगा रखे उसको ओपन ड्रॉ कर लेंगे। ड्रॉ करने के बाद आपका रीसेट का ऑप्शन आएगा दोबारा से, आप उस पर क्लिक कर देंगे। नेटवर्क रीसेट हो गया देख सकते हैं। अगर आप ब्लूटूथ प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए रीसेट करें तो वाईफाई कनेक्ट है तो डिसकनेक्ट हो जाएगा, एंड सभी चीज़ें डिवाइस कनेक्ट करें तो एकदम राइट मतलब सही चलेगा, और ब्लूटूथ कनेक्ट करने मतलब कनेक्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। इस प्रकार से आप अपने फ़ोन में ब्लूटूथ प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आया किस प्रकार से ब्लूटूथ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आ गया और किस प्रकार से ब्लूटूथ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो फ्रेंड्स, प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब करो। फ्रेंड्स, तब तक नमस्कार।